बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है। और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रल। सी, व्हेन यू टॉक अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल, द नेम इटसेल्फ रिवील्स दैट द फर्स्ट वन वाज व्हाट, इनडेफिनिट इंटीग्रल। व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू पुट प्लस सी, and here when it is definite means one thing is very clear, that definiteness has to be ensured, definiteness ko hame ensure karna padega. Now the question is how to ensure it. At first I'll tell you ki how we'll proceed and how we are going to do the question. Pehle hum log ye dekh lete hain ki question kaise karenge, aur fir jo uska background hai I'll explain here the background also. Just see, if integration fx dx is equal to capital fx, let's suppose that when you integrate you get something, then a to b, this is lower limit upper limit, isn't it? Fx dx is equal to fx the same a to b, and what you are writing, fb minus fa. We'll take one example. We are going to integrate as usual, jo hum jaise integrate karte the we'll integrate the same way, only the upper limit put the value, lower limit put the value, जो पहली value है उसमें से दूसरी value को you have to subtract. For example, if you have example number 1, minus 1 to plus 1 x plus 1 dx, इसको if you are going to integrate, the first one is x square by 2 and plus x, means we have integrated as usual. In some of the cases you may have to do the integration separately and after that take the limit. So what is the value here? It is minus 1 plus 1. What you are going to have? You are going to have 1 square by 2 plus 1. This is the first one. Minus 1 square plus 1. And here it is by 2. This is what we have done. By upper limit ko pahle isme dal dete hain. Jitna bhi aaya, lower limit ko dal dete hain. And second value ko we are going to subtract it. It becomes 1 by 2 plus 1. Yani kitna hua ji? It is 3 by 2. And here also, it is 1 square, 2, 3, 3 by 2. So the answer is equal to 0. Though I have taken first example, but this is question number 1. Question number 1 of exercise, NCERT, exercise 7.8. ये पहला हो गया। जो एग्जाम्पल टू है वो क्वेश्चन नंबर टू है। इट्स वेरी इजी। दिस इज लॉग एक्स, भाई वन बाई एक्स का कितना होता है लॉग, एंड हियर इट इज हाउ मच, टू एंड थ्री, व्हाट यू विल राइट, लॉग थ्री माइनस लॉग टू, व्हाट इज दिस, इज इट लॉग थ्री बाई टू, दैट्स ऑल। सो दिस इज हाउ वी डू। नाउ द क्वेश्चन इज, तो एक चीज तो क्लियर हो गया, इफ यू हैव टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यू हैव टू सिंपली इंटीग्रेट एज यूजुअल एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन ऑब्टेंड आफ्टर इंटीग्रेशन व्हेन वी पुट द लोअर लिमिट फ्रॉम द वैल्यू व्हेन वी गेट बाय पुटिंग द अपर लिमिट। दिस इज व्हाट वी हैव डन। देखिए, दो नाउ इट हैज बीन, इट इज नॉट इन द सिलेबस, बट वेन वी वेर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम्स, तो वहां को लोगों ने कुछ इस तरह से बात की थी। आपके पास अगर यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, हम कहते हैं ये ए है, ये बी है, यहां से हमने कोई स्ट्रिप ले लिया था, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा एक आइडिया रखिए, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम्स बेसिकली ये क्या होता है, ये एरिया है। अगर हम कहते हैं कि भाई हम कैसे इसको निकालते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये वैल्यू होती है यहां से शुरू होकर के यहां तक, छोटी 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 जो एरियाज हैं, स्ट्रिप्स हैं, इन सभी स्ट्रिप्स को समेशन ले लेते हैं, दैट ओनली बिकम्स व्हाट, ए टू बी व्हाट, एफ एक्स डी एक्स। व्हाट इज एफ एक्स डी एक्स, दिस इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई मीन्स व्हाट, ये वाला, डी एक्स मीन्स ये वाला, यानी हमने एक रेक्टेंगल का, हालांकि वो रेक्टेंगल है नहीं क्योंकि एक एरिया में उसका क्या है, देखिए ये इस तरह से है, लेकिन व्हेन दीज टू थिंग्स आर वेरी क्लोज टू इच अदर, दैट इज व्हाई वहां बोलते हैं व्हेन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो,
यानी जब उसकी विथ जो है अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाती है तो हम उसको रेक्टेंगल मान सकते हैं। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि ये एफ एक्स एंड डी एक्स लेंथ इनटू ब्रेथ है भाई, ये वाई है और ये डी एक्स है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ है, और उसी का समेशन निकाल लिया। और एरिया के एरिया फंक्शन क्या हुआ, कहां से निकाला, फ्रॉम ए टू बी, तो इसकी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से। बहरहाल आप इतना ही याद रखिए, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग अलग से देखेंगे एंड देन विल गो फॉर फर्दर स्टडी। अब देखो बेटे, जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस कह सकते हैं कि ओरल टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन चूंकि दिया हुआ है एनसीईआरटी में तो हम कर रहे हैं। डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन की आप उम्मीद मत करिए। जो आने वाले क्वेश्चन होंगे हम बता देंगे, बीच में हो सकता है कहीं एक दो का इसमें जैसे इसका कहीं यूज हो सकता है, इसका कहीं यूज हो सकता है, लेकिन ऐसे जनरली ये क्वेश्चंस दे आर नॉट मीन फॉर एग्जामिनेशन। मेरे हिसाब से लगता है कि दे आर टू इजी। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 4x टू द पावर 4 बाय 4 माइनस 5x टू द पावर 3 बाय 3 प्लस 6x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस 9x। आपने सिर्फ क्या किया है, इसको इंटीग्रेट कर दिया और यहां लिख दिया 1 और 2, ये 4 4 कैंसिल, यहां से 2 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ जी 3। अब जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी, यहां पर वैल्यू होगी 2 टू द पावर 4 माइनस 5 बाय 3 2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2। ये हमने क्या कर दिया, जहां भी x था वहां हमने 2 कह दिया, माइनस इनसाइड द ब्रैकेट 1 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 टू द पावर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो आपसे उम्मीद की जाती है कर लेंगे आप, जब इसको आप करते हैं तो इसका आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यू कैन सी दिस वन। ये तो हुआ साहब एक क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, इट्स दैट इज सो इजी, साइन 2x का कितना होता है जी, इट इज माइनस कॉस 2x बाय 2, हमने 1 बाय 2 को बाहर कर लिया, माइनस होता है तो बाहर करो, यानी क्या हो गया, साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x बाय 2, 1 बाय 2 बाहर कर लिया, और ये लिमिट कितना है जी, लिमिट है 0 टू पाई बाय 4। अब क्या करोगे, माइनस 1 बाय 2 यहां पर होगा कॉस 2 इंटू पाई बाई 4, जहां x था वहां हमने क्या लिख दिया, पाई बाई 4 रखा, माइनस कॉस 2 इंटू 0, ये 2 हो गया, यानी हमारे पास हो गया माइनस 1 बाई 2, यू नो कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1, यानी आंसर कितना हो गया, 1 बाई 2 हो गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि द क्वेश्चन आर सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2x का कितना होगा जी, इट इज साइन 2x एंड डिवाइडेड बाई 2, हियर इट इज 0 टू पाई बाई 2, क्या होगा बच्चों, इट इज 1 बाई 2, क्या लिखना है, इट इज साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू 0, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू होती है 1 बाई 2, आपको पता है साइन पाई की वैल्यू कितनी, द वैल्यू ऑफ साइन पाई इज इक्वल टू 0, तो साइन पाई इज इक्वल 0, साइन 0 इज इक्वल 0, सो द आंसर इज 0। ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इसका आंसर हो गया, पहले का हो गया 1 बाई 2, दूसरे का हो गया 0। अब जो तीसरा क्वेश्चन दिया, इससे आसान सवाल तो यार नहीं हो सकता, कह रहा है e टू द पावर x 4 टू 5, ये तो बच्चा लोला सवाल दे दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी जी, e टू द पावर x इनसाइड द ब्रैकेट 4 टू 5 e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4। हाँ, अगर इसमें से e टू द पावर 4 कॉमन ले लोगे तो होगा e माइनस 1, ये तो ये भी चलेगा। जो सेवेंथ क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, क्योंकि दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको आप क्या लिखोगे, हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, क्या दिया है बेटा, टेन एक्स डी एक्स, याद आ रहा है टेन एक्स का कितना होता है, टेन एक्स का होता है क्या, लॉग सेक एक्स, याद आ रहा है टेन एक्स का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स करिए या लॉग सेक एक्स करिए, तो लॉग सेक एक्स हो गया और ये हो गया 0 टू पाई बाई 4, कितना हो गया बेटा, ये हो गया लॉग
sec pi by 4 माइनस log sec 0। अब देखो log sec pi by 4 cos pi by 4 की वैल्यू 1 by root 2, तो ये कितना होगा जी, इट इज इक्वल टू log root 2। एंड व्हाट इज sec 0, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो sec 0 का भी मान कितना होगा 1, ये कितना होगा माइनस log 1। इसको आप लिख सकते हो log 2 टू द पावर 1 बाई 2, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, यानी आपके पास हो गया 1 बाई 2 log 2। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए अभी भी जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल वही ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं, जैसे cosec x को आप क्या लिखते हो जी, log cosec x प्लस cot x, यही ना होता है इसका इंटीग्रेशन, डायरेक्ट हम क्या बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास है पाई बाई 6 और ये पाई बाई 4, यानी क्या होगा log cosec पाई बाई 4 प्लस cot पाई बाई 4, ये तो एक साथ हो गया, माइनस log cosec पाई बाई 6 प्लस cot पाई बाई 6, ये हो गया सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज इक्वल टू log, what is the value of cosec pi by 4? cosec pi by 4 means what? sin pi by 4 का उल्टा होगा, यानी ये कितना होगा जी, ये under root 2, and cot pi by 6, tan pi by 6 का मान कितना होता है 1 by root 3, याद रहा tan 30 degree, तो cot 30 को उल्टा होगा, ये कितना हो गया plus root 3, ये तो ऊपर वाले का हो गया, और minus क्या जी log cosec pi by 6, cosec pi by 6 मतलब क्या जी cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान कितना होगा 2 हो गया, क्यों sin 30 का मान 1 by 2, तो cosec का मान 2 by 1, and cot pi by 6, cot pi by 6 का मान क्या होगा जी, I think यहां पर pi by 4 होना चाहिए था ना, क्यों, क्योंकि हम पहले पाई बाई 4 को रखते हैं, यहां पर कितना होगा बेटा, यहां cot पाई बाई 4 का 1 होगा, यहां कितना हो गया cosec पाई बाई 6 की वैल्यू हो गई 2, एंड cot पाई बाई 6 की वैल्यू 1 बाई tan पाई बाई 6, tan 30 डिग्री मतलब क्या, इट इज रूट 3, यानी हमारे पास हो गया log 1 प्लस रूट 2 बाई 2 प्लस रूट 3। So this is the answer for question number 8। ये plus नहीं होता है जहां तक हमको याद है, cosec का होता है cosec x minus cot x होता है क्या, cosec x minus cot x, cosec x minus cot x होगा, तो ये minus होगा, ये minus हो जाएगा, ये minus होगा, ये minus होगा, तो ये हमारे पास हो गया root 2 minus 1 and 2 माइनस रूट 3, हमको लग रहा है कि अब सही हो गया, ये हमने गड़बड़ कर दिया था, ये आप करेक्शन कर दीजिएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अब इससे आसान सवाल क्या होगा, अगला सवाल जो है वो हमारे पास क्या है भाई, इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू होती है 1 बाई एट साइन एक्स स्क्वायर, को हम क्या लिखते हैं जी, दिस इज साइन इनवर्स एक्स 0 टू 1 साइन वर्स 1, बेसिकली यहाँ ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट हो रही है, और साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2, आपको पता है साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन वर्स 1, याद आ रहा है थोड़ा, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन वर्स 1, ठीक वही बात यहां पर भी है, देयर इज अ डायरेक्ट फार्मूला, टैन इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टैन इनवर्स एक्स, लिमिट क्या है 0 टू 1 है, क्या होगा बेटा टैन इनवर्स 1 माइनस टैन इनवर्स 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है बेटा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
ए स्क्वायर डी एस का मान क्या होता है जी, 1/2 a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, याद आ रहा था थोड़ा, यही तो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला में रख दो, ये 1 है यानी कितना है 1 स्क्वायर है, क्या होगा बेटा ये होगा 1/2 × 1, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू हो गई 1 इंटू log x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, क्यों, x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और ये पूरा जो है कितना होगा 2 to 3 हो गया, इंटीग्रेशन वैसा ही। अब यहां देखो, इट इज 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, अब फर्स्ट वाले में क्या लिखने वाले हो, log 3 माइनस 1/3 + 1, क्या किया, जहां x था वहां 3 रख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर दूसरा हो गया क्या log 2 माइनस 1/2 + 1, एंड इट्स लाइक दिस, एक बार हमने अपर लिमिट को रख दिया, फिर हमने लोअर लिमिट को रखा और दूसरे वाले को पहले वाले में सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हुआ बच्चों बताओ, 1/2, इट इज log 1/2, ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, और यहां पर माइनस हाउ मच, log 1/3, क्यों, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, अब ये कितना हो गया 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट log m माइनस log n, याद आ रहा था थोड़ा, क्या होता है बच्चों log m माइनस log n की वैल्यू क्या होती है, ये होती है log m बाई n, तो हम क्या लिखेंगे log 1/2 बाई 1/3 यानी कितना जी 3/1 यानी कितना हो गया 1/2 log 3/2। देखो बेटा, हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो एक तरह से ये पूरा जो है द रिवीजन टेक्स प्लेस, तो जितने तरह के क्वेश्चंस हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल में किया है करीब करीब उतने तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहां करेंगे, और जो एनसीईआरटी में छूट गया है उसको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कर देंगे, अलग से मैं करना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू राइट इन बिटवीन। देखिए पहले, अब दूसरा क्वेश्चन ये है cos स्क्वायर x, हमें पता है कि cos स्क्वायर x मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूं, इट इज 1 + cos 2x/2, याद आ रहा है, और साइन स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 - cos 2x/2, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1 - cos 2x/2 को हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ये dx कह दिया, और ये लिमिट हो गया 0 और ये हो गया π/2, मतलब इट इज प्लस, यानी cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 + cos 2x/2। अब देखो, जब इसको इंटीग्रेट करते हो, ये 1/2 अब बाहर रखो, तो इसका होगा x और इसका हो जाएगा sin 2x/2, ये 1/2 बाहर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, 1 का x cos 2x का sin 2x/2, लिमिट हो गई 0 से π/2, कितना हुआ बेटा बताओ, तो दिस इज 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, x की जगह पर कितना आया π/2, sin 2 × π/2 / 2, यानी जहां x था वहां आपने π/2 कह दिया, माइनस इनसाइड द ब्रैकेट 0 + sin 0/2, साइन 0 का मान होता है 0, इसलिए बाई 2 नहीं लिखा, छोड़ दिया, यानी ये कितना हो गया 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट π/2, और देखो ये कैंसिल हुआ, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0, ये 0, ये 0, यानी हमारे पास कितना हुआ जी 1/2 × π/2, यानी कितना हो गया π/4, ये कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 11 की तरह से क्वेश्चन आते हैं तो यहां आपको थोड़ा सा एक मिनट के रुकना पड़ेगा, हम लिखते हैं कि लेट I इज इक्वल टू x/x² + 1 dx, मान लिया I, हम अभी 0 to 2 to 3 नहीं लिख रहे हैं, पहले हमने उसको I लिख लिया, मैंने पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करते हैं, हम कहते हैं कि याद रखिए इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन वाला अलग से हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ये वाला वहां भी हो सकता है, लेकिन हम एक तरीका और बता रहे हैं उसको आप देख लीजिए, तो क्या होगा बेटा, हमने कहा लेट, आपको पता है ना
इसका ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, याद आ रहा? अगर आप लिखते 2x by x square plus 1 dx, 1 by 2 करना पड़ता, ऐसे भी कर सकते थे। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आपको इतना ही करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि सर इतना तो हमको पहले से पता है, आप एकदम बच्चे की तरह से क्यों कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है, तो इसके बाद आप करो, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 2x by x square plus 1 dx and the limit is what? 2 to 3। पता है आपको कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो हम डायरेक्ट लॉग लिखते हैं, यानी हो गया 1 by 2 log x square plus 1, ये डायरेक्ट हो गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? x square plus 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। तो अब ऐसा होता ना कि f dash x by fx, याद आ रहा है बच्चों, बहुत पहले हमने कहा था f dash x by fx dx इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है? log of fx होती है, ये याद रखिएगा, खूब काम आता है, खूब यूज होता है। इवन आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो वहां भी होगा। अब इतना अगर पहुंच गया तब क्या करना है जी? ये यहां पर है 2 और यहां पर है 3, तो आपने कहा 1 बाई 2 लॉग 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 2 स्क्वायर प्लस 1। भाई एक बार जहां x वहां 3 रख दिया, फिर 2 रख दिया, यानी हो गया 1 बाई 2 लॉग 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस लॉग 5। और आगे बढ़ाइए, 1 by 2 log 10 by 5, that is 1 by 2 log 2। ये वही है px plus q by ax square plus bx plus c। लेकिन हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम पहले इसको दूसरे ढंग से लेके देख लेते हैं डायरेक्ट, जो क्योंकि ये इजी है। हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? दिस इज इक्वल टू 0 टू 1, इट इज 2x by 5x square plus 1 dx and plus 3 into 1 by 5x square plus 1 dx। इतना तो हम आराम से कर सकते हैं। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। यहां जब पहुंचते हैं तो यू कैन राइट हियर 5 एंड हियर यू कैन राइट 1 by 5। समझ में आ रहा है क्या हम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 10x, तो हमने यहां 10x प्राप्त कर लिया। क्लियर हो गया क्या? हम देखिए एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, यहां नहीं करते हैं। हम लिखते हैं 1 बाई 5 0 टू 1, यहां 5 इंटू 2 इंटू एक्स बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, मतलब हो जाएगा 10x डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1, 1 बाई 5, 5 से जो मल्टीप्लाई करिए क्योंकि हम डायरेक्ट लॉग लिख देंगे। सेकेंड वाले में आप लिखिए इंटीग्रेशन 3 बाई 5, 5 को आप कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर, जब 5 को आप बाहर निकालिएगा तो यहाँ 1 बाई 5 होगा, तो ये होगा 1 बाई रूट 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या हम कर रहे हैं? हम इसको 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको ला रहे हैं। लिमिट आपको पहले से पता है, 0 टू 1 है तो ये भी 0 से 1 होगा, लिमिट इधर उधर नहीं जाएगा, लिमिट जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा। कितना होगा बेटा बताओ तो? ये 1 बाई 5, इसका याद है कितना होता है? इसका हो जाएगा log 5x स्क्वायर प्लस 1, और इसकी लिमिट होगी 0 से 1 प्लस 3 बाई 5, मैं यहां लिखता हूं प्लस 3 बाई 5, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो हम लिखते हैं इंटू 1 बाई ए, 1 बाई ए मीन्स व्हाट? 1 बाई रूट 5 इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई 1 बाई रूट 5। हमारी बात समझ में आ रही है? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, वही मैंने यहां लिखा है, लिमिट तो वही रहेगी, तो लिमिट अगर रहेगी तो आप इसको लिमिट कर लीजिए, लिमिट क्या हो रहा है? 0 से 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट लिखते हैं, वैल्यू को लिखते हैं तो हो गया 1 बाई 5
ये लाख देखिए वन लिखते हैं, अगर वन लिखेंगे तो होगा फाइव इंटू वन स्क्वायर, फाइव प्लस वन सिक्स, तो ये हो गया लॉग सिक्स। हमने क्या रख दिया यहां पर जी, एक से अपर वन रख दिया, एंड माइनस लॉग वन, ये फर्स्ट वाला क्लियर हुआ, वन बाई फाइव आउटसाइड, लॉग एक्स अपर वन, तो वन का स्क्वायर वन, फाइव इंटू वन, फाइव प्लस वन सिक्स, लॉग सिक्स, और यहाँ एक्स का मान जीरो, तो हो गया लॉग वन, पहला हुआ। दूसरा ये हमारे पास होगा थ्री बाई रूट फाइव, देखिए ये रूट फाइव ऊपर चला जाएगा, तो रूट फाइव बाई फाइव इज इक्वल टू रूट फाइव, ठीक है बच्चों। और ब्रैकेट में क्या होने वाला है जी, टेन इनवर्स रूट फाइव इंटू वन, क्यों, क्योंकि रूट फाइव ऊपर चला जाएगा, तो रूट फाइव एक्स बाई वन हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स जीरो। अब देखिए लॉग वन की वैल्यू होती है जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन बाई फाइव लॉग सिक्स प्लस थ्री बाई रूट फाइव इंटू हाउ मच, टेन इनवर्स रूट फाइव, और टेन वर्स जीरो का मान कितना होता है जीरो, भाई टेन जीरो का मान जीरो, तो टेन वर्स जीरो का मान जीरो, तो इसका मान हो गया, याद आ रहा है ना, टेन जीरो का मान जीरो, देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू हाउ मच, इज जीरो इज इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो, टेन वर्स जीरो का मान जीरो हो गया, वो जीरो हो गया, तो आपके पास वैल्यू कितनी हो गई। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, ये डायरेक्ट नहीं है, हम इसमें लिखते हैं लेट I इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि अभी लिमिट वाला हमने जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन में जब लिमिट चेंज होता है तो कैसे होता है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इसलिए अब पहले इसको कर लेते हैं। हम कहते हैं कि पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू, एक्स डी एस का मान तो हमारे पास पता चल गया, एक्स डी एस का मान हो गया डी टी बाई टू, देयर फोर आई इज इक्वल टू वन बाई टू ई टू दी पावर टी इंटू डी टी, क्यों, क्योंकि डी टी बाई टू है, वन बाई टू बाहर कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया जी, वन बाई टू ई टू दी पावर टी, यानी वन बाई टू ई टू दी पावर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यानी आपने पहले इसको इंटीग्रेट कर लिया, आपने जब इसको इंटीग्रेट कर लिया तब आप लिखोगे, उसके बाद लिखोगे देयर फोर दिस वन इज इक्वल टू वन बाई टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर जीरो टू वन, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू ई टू द पावर वन माइनस ई टू द पावर जीरो वन बाई टू ई माइनस वन हो जाना चाहिए, जहां तक हमको लगता है वन बाई टू ई माइनस वन, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए आपके पास हमने क्या बताया था, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि ऊपर वाले का पावर, यानी ओरिजिनल जो हमने याद आ रहा है, ओरिजिनल फंक्शंस होते हैं, ओरिजिनल फंक्शंस में क्या हो रहा है, ये इम्प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर होता है, तो ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री बराबर जो हो रही है। फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 16। द क्वेश्चन नंबर 16 इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है और ये बहुत लंबा खींचता चला जाता है, इसीलिए थोड़ी हमारी वीडियो जो है काफी लंबी नहीं हो जाए, इसलिए हमने लिखने का समय बचा लिया है। थिंग्स आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन हियर इटसेल्फ। You see, it's given from 1 to 2, 5x square by x square plus 4x plus 3. As I have already told you, कि भाई अगर ये improper rational function है, improper तो है ही, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की degree नीचे वाले के polynomial के degree से ज़्यादा है या बराबर है। तो उस case में हम क्या करते हैं? पहले हम उसको proper में लाते हैं। Proper में करने के लिए क्या करते हैं? Divide करते हैं। तो अब देखिए, अगर आपको 5x स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, तो आप क्या करोगे, 5x स्क्वायर बाई x स्क्वायर तो कितना होगा जी 5, आप यही ना कहते हैं जी, ये 5 हो गया, इस 5 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा बेटा, ये होगा 5x स्क्वायर प्लस 20x
प्लस 50, ये माइनस 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 कैंसिल, माइनस क्या हो गया 20x प्लस 15। तो आप क्या लिखते हो, आप यही लिखोगे ना भाई कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू 5 प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय दिस। तो जो प्लस है, चूंकि यहां माइनस है इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया हो, हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया था। तो यानी आपके पास जो दिया हुआ था इंटीग्रल कर, इंटीग्रेशन करने के लिए फ्रॉम 1 to 2, अब उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो इसको दो पार्ट में करते हैं। एक क्या करोगे बेटा, ये 5 का क्या है, कांस्टेंट है, तो x हो गया, हमने कहा x 1 to 2, और इंटीग्रेशन 1 to 2 20x माइनस प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखो x 2 माइनस 1, इसको हम मान लेते हैं i1, यानी इसको मानिए 1। यहां तक क्लियर हो गया क्या हमने कहा, इसको अब हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं। किस पर, ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये 5i इज इक्वल टू क्या है, 5 माइनस i इज इक्वल टू 5 माइनस i1 है, इसी में हमको सबको ले आके रखना है। अब जो हमारे पास i1 है, अब हमारे पास एक तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया उसी में, है कि नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या लेंगे भाई, ये 1 to 2 20x प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। मैंने आपको एक चीज बताया था, या तो आप इसको px प्लस q बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करिए, या अगर आप कर सकते हैं, सक्षम है, तो डायरेक्ट कर लीजिए। इसको जब हम करते हैं तो हम करते क्या है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। तो देखो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 4। ये किसका डेरिवेटिव है, ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना है, ये 2x प्लस 4 है। तो हम कहते भाई 2x प्लस 4 तो चाहिए चाहिए, क्यों, क्योंकि जो ही ऊपर 2x प्लस 4 होगा और नीचे हमारे पास वो एक्सप्रेशन होगा तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, लॉग नीचे वाला। यही तो हम आपको बताते हैं, क्या हमने बताया था आपको, आपको याद है एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, और यहाँ डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या बोला था, इसकी वैल्यू होती है लॉग एफ एक्स। मतलब ये हुआ कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है तो हम उसको डायरेक्ट लॉग लिख लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको मैं बगल में लिख दे रहा हूं, आप फिर देखिएगा उसके बाद। देखिए मेरे पास है 20x प्लस क्या 15, हमने इसको पहले लिख दिया क्या 2x प्लस 4, हमने क्यों लिख दिया 2x प्लस, क्यों लिखा बेटा, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव है, तो हमने पहले उसको लिख दिया। और बाकी अब चीजों को एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 10, तभी ना 20 होगा जी। तो ये हो गया 10 इंटू 2x क्या 20x, लेकिन यहाँ 40 है और आपके पास एक्चुअली कितना चाहिए, 15 चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस 25, इसको बगल में लिख लीजिएगा। मतलब ये हुआ कि इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ किया है भाई, इसको हमने अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो हमने लिखा 10 टाइम्स 1 to 2 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस, याद रखिए माइनस 25 1 to 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट हो गए, ये वाला क्या है डायरेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि आप बगल में लिख दोगे कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, देयरफॉर इट वी कैन डायरेक्टली राइट व्हाट, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 1 to 2, यहां क्लियर हो गया। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं, मैंने थोड़ा सा मैंने जल्दी मैंने क्या कहते हैं अपने हिसाब से कर लिया है, वो अच्छा नहीं है, आपको करना पड़ेगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को क्या लिखोगे बेटा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1, ये समझ में आ रहा है। हमने क्यों 4 कर दिया, क्योंकि ये होगा 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहां क्लियर है, क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया था कि वो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस। और ये अगर इसका इंटीग्रेशन है, dx है, dx है, dx है, तो आपके पास पता है
वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एस का इंटीग्रेशन कितना होता है, वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए बाई हाउ मच एक्स प्लस है, वही तो मैं कह रहा हूं, यहाँ एक्स यहाँ पर कितना है एक्स प्लस टू है, क्लियर है, एंड ए की जगह पर कितना है वन है, तो हम क्या लिखेंगे log x माइनस ए यानी x प्लस टू माइनस वन कितना हो गया x प्लस वन, आपको दिखाना पड़ेगा बगल में, और डिवाइडेड बाई क्या x प्लस ए, तो x मीन्स वॉट x प्लस टू प्लस वन, तो कितना होगा x प्लस थ्री, यहां तक क्लियर हो गया, क्या होगा आप पहले टू को रखिए, तो टू का मान क्या होगा log टू प्लस वन थ्री और टू प्लस थ्री फाइव, तो log थ्री बाई फाइव हो गया, माइनस क्या हुआ ये वन बाई टू यहाँ आ गया था, फिर वन रखोगे तो वन प्लस वन टू एंड वन प्लस थ्री फोर, तो ये टू बाई फोर होगा, हमने उस वन बाई टू नहीं कहा है, हम उसको टू बाई फोर ही रखते हैं, कारण क्या है कि वी वॉन्ट दैट एवरी थिंग शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉग टू लॉग थ्री लॉग फोर लॉग फाइव, देखिए इसके बाद आप बढ़िए, तो ये देखिए क्या है हमारे पास, ये हमने बताया था कि ये कितना होगा जी 15 को 5 इंटू थ्री, तो लॉग फाइव प्लस लॉग थ्री 10 आ गया, 8 को लिखोगे 4 इंटू टू, 8 को क्या लिखोगे 4 इंटू टू, तो क्या होगा लॉग 4 प्लस लॉग 10 लॉग सॉरी लॉग 4 प्लस लॉग 2, तो उस केस में हमारे पास कितना हो जाएगा 10 का 2 का 10 का हमारे पास है ना लॉग 2, ठीक है, ये हमारे पास होगा माइनस, क्यों क्योंकि लॉग 4 प्लस लॉग 2 माइनस बाहर है, तो ये दोनों माइनस हो गए, माइनस 25 बाई 2, यहां पर क्या होगा लॉग 3 माइनस लॉग 5, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा लॉग टू माइनस लॉग फोर, तो वो माइनस जब होगा तो माइनस माने क्या हो जाएगा प्लस, अब जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से देखो, कहा था कि अब सभी फाइव वालों को, तो लॉग फाइव यहां पर एक है और देखो कहां पर है लॉग फाइव, तुम्हारा लॉग फाइव यहां पर है, ये है यहां पर 25 बाई 2 है और यहां पर 10 है, तो हमने यहां क्या लिखा 10, देखो ये 10 है और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हमने कह दिया 10 प्लस 25 बाई 2 क्या लॉग फाइव, अब हम लॉग फोर पर आते हैं, लॉग फोर कहाँ है देखो यहाँ पर ये लॉग फोर है, क्या है माइनस 10 लॉग फोर है और यहाँ पर लॉग फोर है विद माइनस 25 बाई टू, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 25 होगा, माइनस 25 बाई टू होगा और यहाँ पर क्या है माइनस 10 है, तो वही मैंने लिखा है प्लस माइनस 10 माइनस 25 बाई टू लॉग फोर, अब लॉग थ्री पर आते हैं, देखो लॉग थ्री के पास क्या है 10 लॉग थ्री यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर प्लस 10 कर दिया और यहाँ पर तुम्हारे पास एक लॉग थ्री है, लेकिन जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस 25 बाई टू, तो वही मैंने यहाँ कहा 10 माइनस 25 बाई टू लॉग थ्री, लास्ट वन लॉग टू की बात करते हैं, तो देखो ये माइनस लॉग टू है तो मैंने माइनस 10 कर दिया और यहाँ पर जब टू में करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस 25 बाई टू है माइनस टू है तो कितना होगा माइनस लॉग टू है तो कितना होगा प्लस, तो वही मैंने कहा माइनस 10 प्लस 25 बाई टू लॉग टू, यानी लॉग फाइव लॉग फोर लॉग थ्री लॉग टू एक साथ हमने कर दिया, अब जरा देखिए इसकी वैल्यू होगी 10 दुना के 20 25 45 बटा 2, यहाँ पर हो गया 10 दुना के 20 और माइनस 25 माइनस 20 माइनस 25 माइनस 45 बाई टू लॉग फोर, 10 दुना के 20 माइनस 25 दैट इज माइनस 5 बाई 3 एंड 10 दुना के 20 प्लस दैट इज माइनस 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 5 बाई 2 लॉग 2, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट आई वन, इसको हम बोलते हैं 2, अगर हमारे पास 2 आ गया और 2 मतलब क्या जो दूसरा वाला हमारा इंटीग्रल था उसका वैल्यू आ गया, तो अगर ये वैल्यू आ गई तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर, अब 1 में क्या रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इनटू 1, हम कहते हैं यूजिंग 2 इन 1 वी गेट क्या मिलता है बेटा, देखो तो i इज इक्वल टू 5 माइनस ये वाला पूरा मतलब क्या 45 बाई 2 लॉग 5 बाई 4 प्लस 5 बाई 2 लॉग 3 बाई 2, हमने इस पूरी की व्यवस्था जो है वो माइनस था, यहाँ देखो ना 5 माइनस आई 1 था, तो हमने इसको वहां पर कर दिया वहां लेके चले गए, इन दोनों में से अगर आप 5 बाई 2 कॉमन ले, देखो 5 बाई 2 दोनों में कॉमन है, 5 बाई 2 कॉमन होगा तो इस केस में क्या होगा 9 log 5 बाई 4 माइनस हाउ मच log 3 बाई 2, सो दिस इज द आंसर, ये थोड़ा सा लंबा हुआ
जनरली हम ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट यू शुड नो। क्वेश्चन नंबर 17 है, इट्स नॉट समथिंग बिग, एंड एटलीस्ट अगर मुझे क्वेश्चन पढ़ देना होगा तो इस क्वेश्चन को नहीं देंगे, क्योंकि इसमें कुछ करने का स्कोप नहीं है। फिर भी आप देख लो, यदि हुआ 2 sec² x + x³ + 2 dx को इंटीग्रेट करना है, तो पता है sec² का tan x, x³ का x^4/4, एंड यहाँ 2 का क्या होगा जी, 2 तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर x होगा। लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/4, जहां जहां x है वहां हमने क्या कर दिया, π/4 रखा, तो 2 tan π/4 π/4 to the power 4 1/4 2 into π/4 - 2 into tan 0 0, ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 to the power 4 0 0 हो गया। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2, पाई बाई 4 टू द पावर 4 टू द पावर 5 प्लस पाई बाई 2, और 4 टू द पावर 5 की वैल्यू होती है 10 और 24, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, दैट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, 0 to π sin²x/2 - cos²x/2, देख के हड़कने की जरूरत नहीं है, ये दोनों अगर एक साथ दे दिया है तो हमने क्या लिखा, माइनस बाहर करके लिख दिया cos²x/2 - sin²x/2। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि cos²x/2 - सब मल्टीपल में पढ़ा होगा, cos²x/2 - sin²x/2 = cos x, पता है कि cos 2x की वैल्यू याद आ रहा है, cos 2x की वैल्यू होती है cos²x - sin²x, तो अगर ये x होता है तो ये x/2 वही मैंने यहाँ पर कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, cos x का इंटीग्रेशन sin x, 0 to π sin π - sin 0, दैट इज इक्वल टू sin π का मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है, इसलिए कितनी हो गई वैल्यू, 0 हो गई। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इस तरह क्वेश्चन की चर्चा मैं बार बार करता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो 0 to 2, दो पार्ट में कर देंगे, क्यों, क्योंकि x² + 4 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है 2x, तो हमने इसको लिखा 3 × 2x / x² + 4 dx, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, और सेकेंड वाले में हो गया 3 × 0 to 2 dx / x² + 2² इसलिए तुमने इसको अलग अलग किया था। यहां वैल्यू कितना होगा बेटा, 3 log x² + 4, ये समझ में आ रही बात क्या, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, सो हमने लॉग ले लिया। लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 + 3 1/x² + a² की वैल्यू क्या होती है, 1/a tan inverse x/, तो क्या लिखेंगे a, तो क्या होगा 1/2 tan inverse x/2, एंड द वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 2। अब सिंप्लीफाई कर लो, 3 log, ध्यान से देखना, 2² 4 + 4, तो कितना होगा log 8 - log 4, क्यों, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना है जी, 3/2, ये कितना हो जाएगा tan inverse 2/2 - tan inverse 0, भाई एक बार हमने 2 को रखा, एक बार 0 को रखा, ये वैल्यू हो गई 3 log 8/4, ये समझ में आ रही बात क्या, log m - log n, और यहाँ 3/2 देखो ये 2/2 1 है, tan वर्स 1 का मान कितना होता है π/4, माइनस ये हमारे पास क्या है tan inverse 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, यानी हमारे पास कितना हुआ जी 3 log 2 4 2 जा 8, तो 3 log 2 + 3π/8, यानी 3 times log 2 + π/8, सही आंसर आ रहा है 3, ठीक है, बिल्कुल सही है, 3 log 2 + 3π/2, यहीं पर आंसर छोड़ दिया है, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। क्या देखा आपने, जो हमारे पास क्वेश्चन था हम ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़े, किसके चक्कर में, याद है PS+Q/EX² + BS+C के चक्कर में, हमको लगा कि डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट क्या कर दिया, हमने कहा भाई देखो इसको अलग कर देंगे, उसको अलग कर देंगे, अलग कर दिया, न्यूमरेटर को हमने डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के रूप में कर दिया, डायरेक्ट लॉग हो गया, उसका तो फॉर्मूला पर डायरेक्ट यूज हो गया, आफ्टर दैट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू। देखो एक क्वेश्चन जो 20 है ये थोड़ा सा बढ़िया है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट है प्लस समथिंग एल्स,
देखो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो हम क्या लिखते हैं, पहले इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स, यहां तक चलेगा, एंड माइनस कॉस पाई एक्स बाई फोर डिवाइडेड बाई पाई बाई फोर, हमने पहले सबको इंटीग्रेट कर लिया। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो जिसका इंटीग्रेशन हो गया उसका हिसाब बराबर करो, भैया आप जीरो से वन रहिएगा, और अभी यहाँ लिखा है तो जीरो से वन लिखो, और यहाँ पर आप कर दो भाई ये जीरो से वन है, सीधी सी बात है, जो इंटीग्रेट हो गया वहाँ ब्रैकेट करके जीरो से वन कर दिया, जहाँ नहीं हुआ उसको भी रखते हैं कि चलिए सर आपको देखेंगे। तो ये हो गया वन ई टू द पावर वन माइनस जीरो, ये तक खत्म हो गया, माइनस ई टू दी पावर एक्स का वाल क्या जी जीरो टू वन, और माइनस फोर बाई पाई तो चलेगा, फोर बाई पाई बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा कॉस पाई बाई फोर माइनस कॉस जीरो, क्योंकि एक बार वन रहेगा और एक बार जीरो रहेगा। ये हो गया ई, यहां पर भी हो गया माइनस ई टू दी पावर जीरो, ध्यान रखिएगा e टू दी पावर वन e टू दी पावर जीरो, ये वाला हो गया माइनस फोर बाई पाई, कॉस पाई बाई फोर का मान कितना चाहिए वन बाई रूट टू, और इसका मान कितना होता है वन, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी e टू दी पावर जीरो का मान वन, तो ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस वन, माइनस फोर बाई रूट टू पाई एंड प्लस फोर बाई पाई, प्लस जो यहाँ आ रहा है वन माइनस फोर बाई रूट टू पाई एंड प्लस फोर बाई पाई, तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस फोर बाई पाई माइनस, देखिए इसको आप क्या लिखोगे टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू बाई रूट टू पाई, ये समझ में आ रहा है, फोर को टू इंटू टू और टू को क्या लिखा रूट टू इंटू रूट टू, इस रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो हो गया वन प्लस फोर पाई माइनस टू रूट टू पाई, सो हियर इज द आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो बेटे जो लास्ट दो क्वेश्चन हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है कि वन टू रूट थ्री वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो बोलता है कि ये फोर ऑप्शन में से कौन से होंगे, इसको हम सीधा कहते हैं कि भैया देखो ये तो हमें पता है कि ये टैन इनवर्स एक्स होगा, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टैन इनवर्स एक्स, एंड लिमिट इज फ्रॉम वन टू रूट थ्री, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, वैल्यू हो गई टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस टैन इनवर्स वन, लेकिन हमें पता है कि टैन कितने का मान रूट थ्री होगा जी, तो ये होता है वैल्यू पाई बाई थ्री की, और ये वैल्यू होती है पाई बाई फोर की, और ये बात समझ में आ रही है, ये पाई बाई थ्री होता ना टैन सिक्सटी डिग्री वैल्यू रूट थ्री होती है और टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन होती है, दोनों का एलसीएम कितना होगा जी 12 हो गया, ये फोर पाई माइनस थ्री पाई दैट इज पाई बाई 12, सो विच वन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, सो आंसर इज डी, पहला तो क्लियर हो गया साहब, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक नंबर का सवाल कह सकते हैं मल्टीपल। ये जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारे पास आई इज इक्वल टू जीरो टू टू बाई थ्री वन बाई नाइन प्लस सॉरी फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, शायद यही क्वेश्चन है, यस ये फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर जीरो टू टू बाई थ्री डी एक्स, ये क्वेश्चन है, हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, वन बाई नाइन मैंने बाहर कर दिया, यहाँ क्या लिखा जीरो टू टू बाई थ्री और वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री का होल स्क्वायर डी एक्स हो गया, मैंने फार्मूला यहां लिखा था लेकिन यूज करोगे तो क्या होगा वन बाई नाइन वन बाई ए, ए मीन्स व्हाट वन बाई टू बाई थ्री, तो वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री, और इसको आप ब्रैकेट में कर दो जीरो से टू बाई थ्री, सिंप्लीफाई करो देखो कितना आता है, इसकी वैल्यू हो गई ये थ्री हो गया, वैल्यू हो गई वन बाई सिक्स
tan inverse 3x by 2, लिमिट इज 0 टू 2 by 3. अब क्या करोगे, 1 by 6 tan inverse, देखो बेटा x की जगह पर 2 by 3 है, तो आप क्या लिखोगे, 3 by 2 into 2 by 3 minus tan inverse 0, x का मान है 0, ये कैंसिल हो गया, तो हो गया 1 by 6 tan inverse 1. And what is tan inverse 1? That is 1 by 6 into pi by 4, that is pi by 12. So what is the answer? I think the first one is the answer. First one or second one is the answer. Pi by, sorry, not 12, it is 24. So C is the answer. So this way we have completed exercise 7.8. Here I have tried my best to explain everything, whatever is given. But if you ask me, I am not satisfied with the level of the questions. इस level के question करने के लिए आप class 12 थोड़े आए हैं. तो जो थोड़ा सा अच्छे level वाले questions हैं, उनकी हम चर्चा just will continue with this only.